हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ग्रेडियंट एकेडमी। मैं हूं सचिन यादव और आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2023 का एक और प्रॉब्लम। 1 मार्क्स के लिए है ये प्रॉब्लम, बड़ा ख़ास है। इसमें क्या है, इसमें बड़ी सी स्टेटमेंट है और फिर जो आंसर है बहुत छोटा सा है। देखो, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। कंसीडर एन आइसेंट्रोपिक फ्लो ऑफ एयर, आइसेंट्रोपिक फ्लो है और स्पेसिफिक हीट रेशियो उन्होंने गामा 1.4 दे रखा है थ्रू ए डक्ट एज शोन इन फिगर। द वेरिएशन इन द फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इज नेग्लिजिबल। द फ्लो कंडीशन एट लोकेशन आर गिवन एज, और इस कंडीशन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है P1, ρ1, u1। ठीक है, द डक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया एट लोकेशन इज गिवन टू, यहाँ पे जो एरिया है वो डबल हो जाता है। वेयर a1 डिनोट द डक्ट क्रॉस सेक्शन एट लोकेशन 1। सो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट वेलोसिटी एंड प्रेशर एट लोकेशन 2 इज ट्रू। तो ये पूछ रहा है कि जो लोकेशन 2 पे प्रेशर और वेलोसिटी की क्या कंडीशन रहेंगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखो, कोई अगर हम जर्नली देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई एरिया डाइवर्जिंग है, यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। बट हम ये डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमम मैथ्स और मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो आपको जज नहीं कर रहा, आपको बहुत बेसिक सा मैथ यूज करके और अपनी समझ से देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें मैक नंबर निकालना होगा कि ये जो फ्लो है इसके अंदर कैसा है, सबसोनिक है या सुपरसोनिक है। तो क्या निकालना होगा, मैक नंबर। सो मैक नंबर इसके बराबर होता है u1/c1, जो c1 क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ जो भी इसके अंदर फ्लूड बह रहा है या वो गैस है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब हमें पता है पी को क्या लिख सकते हैं, PV=mRT और P=ρRT। तो P1 कितना हो जाएगा, ρ1, आर कॉन्स्टेंट रहेगा T1। तो यहाँ से जो T1 आएगा P1/ρ1 R, हमें P1 पता है 100, रो पता है और R कॉन्स्टेंट है। सो जो टेम्परेचर आया 293.36 केल्विन। तो हमारे पास इस पॉइंट का टेम्परेचर आ गया 290.36 केल्विन, और साउंड C1 निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रूट गामा RT। वन है टेम्परेचर, अभी हमने कैलकुलेट किया है, और R हमें पता है 290.36। सो यहाँ पे जो C1 की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 341.56 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास C की स्पीड है, U की स्पीड, गैस की स्पीड एट 1 गिवन है, तो हम मैक नंबर एट लोकेशन 1 निकाल लेंगे, 400/341.56।
वो होगी 1.017, और ये क्या है, 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है इसका क्या मतलब है, किस टाइप का फ्लो होगा, ये यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये पता होना। अगर 1 से बड़ा है तो ये फ्लो हो गया सुपरसोनिक, ऐसा फ्लो होगा सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक अगर फ्लो है तो ये डक्ट, जो ये डाइवर्जिंग डक्ट है, ये कैसे एक्ट करेगा, जो ये हमारा डाइवर्जिंग डक्ट है ये एक्ट लाइक ए नोजल। अब नोजल क्या करती है, नोजल में क्या कंडीशन रहती है, नोजल में कंडीशन रहती है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी लोकेशन टू के ऊपर, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो क्रंच पार्ट है वो यही है कि फ्लो अगर सुपरसोनिक होता है तो जो डाइवर्जिंग डक्ट है ना वो नोजल की तरह एक्ट करेगा, और अगर नोजल की तरह एक्ट करेगा सो नोजल किस टाइप से काम करती है कि यहाँ पे V1 है, यहाँ पे U1 है, तो यहाँ पे जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन अभी देखेंगे ऑप्शन। सो वेलोसिटी बढ़ गई और प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो करेक्ट आंसर है सी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स में राइट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।